afternoon. Welcome to WhatsApp TV channel. मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट. और आज के अनकट के शुरुआत से पहले आपने देखा हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सत्र मजलिस एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है. और कल एक ही दिन में सिर्फ एक ही हैदराबाद के शेयर का नॉमिनेशन दाखिल हुआ. उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सोचा कि कांग्रेस पार्टी में शेयर माने जाने वाले दूसरे शेयर को मैदान में उतारा जाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नामपल्ली से शिकस्त पाने वाले यंगेस्ट लीडर फेरोज खान का नाम डिक्लेयर कर दिया हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. जी हां नाज़रीन, अब देखना है कि मुकाबला कैसा रहेगा. चलिए चलते हैं आज के अनकट के इंपॉर्टेंट उन्वान पर. इंतहाई शरीफ मलकपेट के स्मार्ट हैंडसम एमएलए अहमद बलाला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. पार्टी में तीसरा मुकाम माने जाने वाले इंतहाई शरीफ बिजनेसमैन, इज्जत की मूर्ति, इज्जत की रोटी खाने वाले बलाला जैसे एमएलए को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसका जिंदा जीता जागता सबूत हम आपको बताना चाह रहे हैं आज के अनकट में. मलकपेट में खदीम 100 साला झाड़ है, ट्री, उस पर जमाने से गौसे पाक का झंडा है, छिल्ला बनाया गया है. और जिस घर के सामने ये झाड़ छिल्ला है उस घर के लोग चंद लोगों को पैसे देकर झाड़ कटवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें छिल्ला भी शहीद हो जाएगा. मुकामी आवाम ने इसकी मुखालिफत की. हमारे एमएलए मलकपेट के शरीफ एमएलए बलाला साहब भी वहां जाकर दौरा किए. उसके बाद कल अचानक एक नौजवान शख्स वहां पर आता है पुलिस के साथ, एमसीएच के साथ. ये कहता है कि वो एमएलए का पीए है और ये झाड़ को कटाने की कोशिश करता है. नाजरीन हम आपको बता दें, हमारे इत्तलात के मुताबिक ये कोई एमएलए का पीए नहीं है, इसका नाम इमरान है और कोटी हॉस्पिटल में ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. और यह जाता है पुलिस के साथ, एमसीएस के साथ झाड़ कटाने. मुकामी नौजवान इसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और अच्छी धुलाई कर देते हैं. आइए पहले एक नजर देखते हैं. बोलो आप, बोलो कौन भी जाए, इंटरेस्ट क्या है, अब बोलो आपको कौन भी जाए. एक वो 4 लाख दे दो मोरा, आखो 6 लाख दे दो मोरा. एमएलए साहब बोले बात. अरे भाई जाओ जाओ ना, तो आधा पलटा ले लो. भाई ले तुम, ये ले होंगे इशू. बोलो आप कौन भेजा तुम्हारा, बोल रहे हो भाई कौन भेजा, कौन भेजा तुम्हारा. एमएलए साहब के पीए गए थे इनो इनो एमएलए साहब के पीए. बोलो बोलो नाम, बोलो नाम क्या है आपका, नाम क्या है भाई, बोलो आपका नाम क्या है, बोलो. बोला साहब की ऑफिस का बोल. नहीं नहीं साहब का ऑफिस को बोलते साहब. बीवी को छोड़ना है, मारती ने तो क्या बोलना है, बोलता चलो. नहीं बोलते यहाँ बोलना, जहाँ का चीज कटने वाली है वहाँ बोलो आप, बोलो जल्दी बोलो. झाड़ परमिशन दिया तुम्हारे, बोल रहे ना तुम. अरे हाँ जी तो बोलो ना वहाँ पे. अरे बोलो ना, वो बोलने क्या हो रहा तुम्हारे को, स्टेटमेंट देने क्या हो रहा, बोलो. ये है बोलो, मेरा नाम ये. नहीं नहीं बात है भाई साहब के, अभी वो छोड़ दो साहब से गलत है, साहब ये सब गलत काम करते भी नहीं. खत्म कर साहब का नाम खराब कर दे रहे तुम लोग. साहब 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 बोल के जरूरत ही नहीं है भाई यहाँ तक आने की, ये कामों में. अरे पैसे मिल रहा तो कहीं क्यों नहीं आते भाई, आते हैं पैसे मिल रहा तो काम में आने की, आपको बोलना ही नहीं है, छिल्ले का काम है ना जी अनवर भाई. पैसे मिल रहा तो सब जने आते जी, कहीं क्यों नहीं आते. जब आवाम पूछती है, वहां के नौजवान पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, तो ये बताता नहीं, सिर्फ कहता है कि साहब के ऑफिस पर आइए मालूम होगा. तो ये साहब कौन है, इससे मुराद है कि मलकपेट के एमएलए बलाला का नाम ले रहा चाह रहा है लेकिन ले नहीं रहा और खुद का भी नाम नहीं बता रहा. तो इस तरह के फेक नौजवानों से हमारे शरीफ इंतहाई नेक इंसान माने जाने वाले अहमद बलाला जैसे एमएलए को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. तो आज के हमारे अनकट के प्रोग्राम के जरिए हम हमारे
नेक एमएलए बलाला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें, इस पर पुलिस के एक्शन लेने लगाए, ताकि दूसरी बार कोई ऐसा शख्स तुम्हारा नाम बदनाम करने की कोशिश ना करे, वरना आवाम में बदनामी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल अब जीत गए खामोश बैठेंगे, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आने वाला है, तो जरा होशियार। यही था आज का हमारा अनकट, सिर्फ एमएलए साहब को और मुकामी आवाम को होशियार करने के लिए। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए, गाली भी लिख सकते हैं, कोई गाली देना चाह रहे हैं तो हम पढ़ के सुधार लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।